वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मास कॉर्नर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल रेड सॉस पास्ता। ये बहुत यम्मी लगता है और सबको बहुत पसंद आता है। देखिए हमारा पास्ता कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 2 कप पास्ता लेंगे और इसको बॉईल करेंगे। अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इसको बॉईल करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। 1/2 कटोरी से थोड़ी ज़्यादा मलाई, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, नमक स्वादानुसार, 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच लहसुन बारीक कटी हुई, 8 से 10 काली मिर्च साबुत, 1 छोटा चम्मच चीनी और 3 चम्मच टोमेटो सॉस। तो चलिए अब पास्ता को बॉईल करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे या कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। पानी आपको ज़्यादा डालना है और उसमें नमक डालेंगे। जब ये बॉईल होने लगे तो हमें पास्ता डालेंगे। देखिए हमारा ये 2 कप पास्ता है, अब हम इसमें डालेंगे। आपका पानी 5 से 6 कप होना चाहिए और इसको बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल आप पहले भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने से पास्ता एक दूसरे में चिपकता नहीं है और इसको बीच बीच में हिलाते रहिए। अब हमारा पास्ता पक गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। पास्ता को हार्ड भी नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। अब हम एक जालीदार बर्तन लेंगे या कोई छन्नी भी ले सकते हैं, उसमें हम पास्ता को डालेंगे, उसका पानी निकालेंगे। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। दोस्तों ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पास्ता ओवर कुक हो जाएगा और एक दूसरे के ऊपर चिपक भी जाएगा। अब हम टमाटर प्यूरी बनाएंगे। तो एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को आप काट के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब इनकी स्किन निकलने लगे तो इसका मतलब हमारे टमाटर पक गए हैं। अब हम किसी बर्तन में इनको निकाल लेंगे। अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसकी स्किन निकाल लेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल लेंगे, उसको गर्म करेंगे। फिर गर्म होने के बाद उसमें काली मिर्च और लहसुन डालेंगे। लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे, फिर प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ी देर भुनने देंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। देखिए हमारी प्याज बिल्कुल भून के तैयार हो गई है। आपको इतना ही भूनना है। अब शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर ही भूनेंगे। दोस्तों हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर भेजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे नए वीडियो लाने के लिए। देखिए हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल भून के तैयार हो गई है। हमने जो प्यूरी बनाई थी अब वो डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में, 5-7 मिनट लगते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे और इसको पकाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर भेजना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए हमारी सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हम इसमें मलाई डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। आप इसमें कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। शिमला मिर्च तो हमने डाली हुई है, पर आप ब्रोकली, मशरूम, कॉर्न, कोई भी सब्जियां आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो को इस जगह आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं और चिली फ्लेक्स की जगह आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब चीनी डालेंगे। चीनी से टमाटर का खट्टापन बैलेंस हो जाता है
अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे इसको। अगर आपकी रेड सॉस का कलर लाइट है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे, बॉयल पास्ता जो हमने किया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा पास्ता मिक्स हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारा पास्ता कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी हुई है इसकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी भी है। अब हम इसको मोज़रेला चीज़ से या कोई भी चीज़ से गार्निश करेंगे। देखिए हमारा पास्ता कितना अच्छा दिख रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। वाह, सो यम्मी। दोस्तों बिल्कुल हमने मार्केट जैसे पास्ता बनाया है, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।